Hindustan! Hindustan siellä ja Hindustan! Suomenkin siniä! Aha, dollar, shona, Hindustan! भारत को सोने की चिड़िया जिस जमाने में कहते थे वो बहुत पुराना जमाना था। अरब और ईरान के व्यापारी भारत से व्यापार करते थे, फिर वे माल लेकर यूरोप के देशों में जाते थे। इन व्यापारियों से जब यूरोप वासी सोने की चिड़िया का हाल सुनते तो उनके मुंह में पानी आ जाता था, लेकिन उन्हें भारत पहुंचने का रास्ता नहीं मालूम था। आखिर एक दिन कोलंबस नामक यात्री भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन अफसोस, उसने पश्चिम का रास्ता पकड़ लिया और वो जा पहुंचा अमेरिका। बस लगभग इन्हीं दिनों पुर्तगाल से भी एक यात्री सोने की चिड़िया खोजने चला था। 22 मई 1498 को उसका जहाज मालाबार तट पर कालीकट पहुंचा। उस जहाज का कप्तान था वास्को डी गामा। अनेक मुसीबतों से जूझता हुआ वो भारत पहुंचा था। उस समय कालीकट में सामुरी नाम के राजा का शासन था। इतिहास में उसको ज़ेमुरिन के नाम से भी कहा गया है। वास्को डी गामा सामुरी के दरबार में गया। उसने सामुरी को कीमती भेंट दी। सामुरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा ने सामुरी के राज्य में व्यापार करने की इजाजत मांगी, जो तुरंत ही मिल गई। दो ही साल बाद यानी 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कालीकट में एक कोठी बना ली। 3 साल बाद उन्होंने कोठी की किलेबंदी कर ली। वहां अपने सिपाही नियुक्त कर दिए। बहाना ये था कि ये काम वो अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं। वहां एक फौजी अफसर अल्बुकर्क को किलेदार बनाया गया। दरअसल ये पुर्तगालियों की एक चाल थी। सन 1506 में उन्होंने गोवा से बंगाल तक अपना व्यापार फैला लिया। सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में हेक्टर नामक एक जहाज अंग्रेज व्यापारियों को लेकर भारत की ओर बढ़ने लगा। इन्होंने सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा लेकर एक व्यापारिक कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस हेक्टर जहाज के कप्तान हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में पहुंचकर सबसे पहले घुटनों के बल झुककर जमीन चूमी और बादशाह के प्रति अपना आदर प्रकट किया। इसके बाद उसने इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का पत्र जहांगीर को दिया। जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। तब सन 1615 में इंग्लैंड के बादशाह ने सर टॉमस रो को मुगल दरबार में अपना पहला राजदूत बनाकर भेजा। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना व्यापार फैलाया। उन्होंने पुर्तगालियों की जड़ें कमजोर की, उनके जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। औरंगजेब के समय में तो उन्होंने कोठियां भी कायम कर ली और अपनी हिफाजत के लिए किलेबंदी भी कर ली। इसी बीच भारत में फ्रांसीसी भी आए। उन्होंने भी अपना व्यापार फैलाया और जड़ें जमानी शुरू कर दी। उस समय उनका मुखिया था दुमास। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने कर्नाटक पर हमला किया। फ्रांसीसी कंपनी के मुखिया ने अपने सिपाहियों के जरिए कर्नाटक के नवाब की मदद की। मराठे हार गए। कर्नाटक और दिल्ली के बादशाह दोनों ने खुश होकर दुमास को नवाब की उपाधि दे दी। 2000 सवारों का सेनापति भी बना दिया। सन
1741 में दुमास की जगह डुप्ले नामक फ्रांसीसी कंपनी का हाकिम बन गया। ये बहुत चतुर सेनापति था। दरअसल डुप्ले पहला यूरोपवासी था जिसके मन में भारत में यूरोपीय साम्राज्य कायम करने की बात आई। डुप्ले ने उस समय के भारत की दो कमजोरियों का फायदा उठाया। एक तो ये कि यहाँ के देशी राजा नवाब आपस में लड़ रहे थे, दूसरे ये कि उस समय राष्ट्रीयता की भावना लोग भूल गए थे। डुप्ले ने इसी फूट का फायदा उठाया। अंग्रेजों ने भी इस नीति का फायदा उठाया। उन्होंने न सिर्फ फ्रांसीसियों को कमजोर किया बल्कि देशी राजाओं को लड़ाने और फिर उनमें से किसी एक की मदद करने की नीति अपनाई। बाद में उस मदद लेने वाले राजा को भी उन्होंने अपने प्रभाव में ले लिया। अब देखिए बंगाल में क्या हुआ। ये बात है 1755 की। उस समय बंगाल में नवाब अली वर्दी खां का शासन था। अंग्रेजों ने अमीचंद नामक व्यापारी से मिलकर बंगाल पर हमला करने की तैयारी की, लेकिन बंगाल के शासक अली वर्दी खां ने उनकी एक भी चाल न चलने दी। लेकिन अली वर्दी खां बूढ़ा हो चुका था। उसने एक दिन अपने नवासे सिराजुद्दौला को अपने पास बुलाया। सिराजुद्दौला उस समय 24 बरस का था और वही अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी भी था। अली वर्दी खां ने सिराजुद्दौला से कहा, बेटे, मुल्क के अंदर यूरोपियन कौमों की ताकत पर नजर रखना। रियासतों के घरेलू झगड़ों के बहाने इन लोगों ने मुगल शहंशाह का मुल्क और शहंशाह की रियाया का धन माल छीन कर आपस में बांट लिया है। इन तीनों यूरोपियन कौमों को एक साथ कमजोर करने का ख्याल ना करना, अंग्रेजों की ताकत बढ़ गई है। मेरे बेटे, उन्हें किले बनाने या फौजों को रखने की इजाजत ना देना। अगर तुमने ये गलती की तो मुल्क तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अली वर्दी खां की मृत्यु 10 अप्रैल 1756 को हुई और सिराजुद्दौला अपने नाना की गद्दी पर बैठा।